हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज जितने भी एसयूवीज इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब आज एक सॉफ्ट रोडर गाड़ियां बन चुकी हैं। यानी कि उन एसयूवीज को आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर एसयूवीज नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब एसयूवीज एक रगेड ऑफ रोडर हुआ करती थी, जहां ये ह्यूज टॉप मॉन्स्टर कैसे भी रास्तों पे से निकलने की क्षमता रखते थे। और कुछ ही गाड़ियां होती थी जिन्हें बैठकर आपको एक राजा महाराजा वाली फील आती है, और उसमें से एक कार ये भी है जिसकी आज हम बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी लेजेंडरी एसयूवी की बात करने वाले हैं, हाँ जी, मित्सुबिशी पजेरो की। पजेरो एक ऐसी एसयूवी थी अपने ओल्ड डेज में जिसे कहीं भी ले जा सकते थे, और आज भी ये हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए रेडी है जिसके आगे बहुत सी मॉडर्न एसयूवीज भी नहीं टिक पाई। ये फुल ग्रोन एसयूवी एक ऐसा पसंदीदा हथियार था उन लोगों का जिन्हें ऑफ रोड एडवेंचर का शौक होता था। वैसे वर्ल्ड वाइड ही मित्सुबिशी ने अपनी पजेरो को डिसकंटिन्यू करने का प्लान बना लिया है 2021 में। कोविड-19 की वजह से इसकी लो सेल्स के कारण मित्सुबिशी ने अपनी आइकॉनिक 4x4 एसयूवी की प्रोडक्शन स्टॉप कर दी है। इंडिया और जापान यानी होम मार्केट में ये पहले ही डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो बने रहिए इस वीडियो में सब कुछ जानने के लिए जो आप जानना चाहते हो मित्सुबिशी पजेरो के बारे में, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। ऑटो फिक्शन में सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। मित्सुबिशी पजेरो एक फुल साइज स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है जिसे मित्सुबिशी मैन्युफैक्चर करती थी, और जो पजेरो नाम है वो लियोपार्डस पजेरो से लिया गया है, जो एक टाइप की बिल्लियों की प्रजाति होती है जिन्हें पंपास कैट भी कहा जाता है। वैसे स्पेनिश में पजेरो का मतलब बहुत ही गंदा होता है यानी वैंकर, इसलिए स्पेनिश कंट्रीज में इसको मोंटेरो के नाम से जाना जाता है, और कुछ जगह इसे शोगन भी कहते हैं। और मित्सुबिशी पजेरो को डकार रैली का ऑफ रोड किंग भी कहा जाता है क्योंकि पजेरो ने 12 बार डकार रैली जीती है, और सबसे ज़्यादा बार डकार रैली स्टेज विंस हैं बल्कि दुगने अपने कॉम्पिटिटर से। और मित्सुबिशी पजेरो के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मोस्ट डकार रैली विंस बाय अ मैन्युफैक्चरर नाम से, जो आज तक टूटा नहीं है किसी से भी। तो अब खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पजेरो क्यों एक खास व्हीकल है। लेकिन जो पजेरो SFX इंडिया में आती थी वो थोड़ी डिफरेंट थी मित्सुबिशी की इंटरनेशनल पजेरो से, क्योंकि इंडिया में जो पजेरो की फर्स्ट जनरेशन थी वो इंटरनेशनल मार्केट की मोंटेरो की सेकंड जनरेशन पर ही बेस्ड थी। और इसके बाद जो 2012 में पजेरो स्पोर्ट आई थी उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। वो एकदम अलग मिड साइज कैटेगरी की एसयूवी थी मित्सुबिशी की, जिसे जापान में मित्सुबिशी चैलेंजर भी कहा जाता था। लेकिन इंडिया में बहुत से लोग इसे अपनी ओल्ड जनरेशन पजेरो का ही सेकेंड जनरेशन मानते हैं, लेकिन ओल्ड पजेरो SFX की नेक्स्ट जनरेशन भी इंडिया में आ चुकी है, हाँ जी, मित्सुबिशी मोंटेरो नाम से, जो कि पजेरो की फोर्थ जनरेशन में आती है वर्ल्ड वाइड। लेकिन ज़्यादा हाई प्राइस होने की वजह से ड्यू टू इम्पोर्ट ड्यूटीज वो इतनी ज़्यादा चली नहीं इंडियन मार्केट के अंदर। मोंटेरो की प्राइस थी अप्रोक्स 70 लाख रुपीज़, और जो कॉम्पीट करती थी लग्जरी SUVs जैसे Audi Q7, Jaguar F-Pace ऐसी SUVs से। और उसके साथ साथ पजेरो स्पोर्ट भी एक अलग कार अवेलेबल थी इंडियन मार्केट में, जो कॉम्पीट करती थी फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कार से। लेकिन इन सब की रूट्स एक ही थी, इसलिए ही इसका नाम पजेरो स्पोर्ट, मोंटेरो स्पोर्ट और शोगन स्पोर्ट ही रखा गया था। तो फिर बात करते हैं इसकी एकदम स्टार्टिंग से। तो इंडियन मार्केट में अभी तक आपको पता चला कि दो टाइप की पजेरोस आई थी, जिसमें एक थी अपनी ओल्ड पजेरो SFX और उसकी सेकंड जेन थी मित्सुबिशी मोंटेरो, और यही OG यानी ओरिजिनल पजेरो थी। और दूसरी आई पजेरो स्पोर्ट, जिसकी सेकंड जनरेशन इंटरनेशनल मार्केट में तो आई थी पर इंडिया में नहीं आ सकी। तो पजेरो SUV का जन्म वैसे 1981 में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें ढूंढने तो ये 1933 की मित्सुबिशी PX33 प्रोटोटाइप पर ही बेस्ड थी। और मित्सुबिशी ने 1973 में टोक्यो मोटर शो में पहली बार पजेरो का प्रोटोटाइप दिखाया था, और फिर उसके 5 साल बाद यानी 1978 में इसका दूसरा प्रोटोटाइप शोकेस्ड करा गया, और फिर 1982 में मित्सुबिशी ने पजेरो को लॉन्च कर दिया। और 1983 पजेरो ने सबसे पहली बार पेरिस डकार रैली में हिस्सा लिया, और 1985 में जाकर अपनी फर्स्ट प्लेस हासिल करी अपने थर्ड अटैम्प्ट के अंदर ही। और आज मित्सुबिशी पजेरो डकार रैली की किंग कहलाई जाती है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। तो मित्सुबिशी पजेरो की फर्स्ट जनरेशन स्टार्टिंग में 3-डोर शॉर्ट व्हील बेस बॉडी के साथ ही लॉन्च हुई थी, जिसने जापान से मित्सुबिशी की जीप को रिप्लेस करा था। फिर बाद में 1983 के अंदर मित्सुबिशी ने इसका लॉन्ग व्हील बेस 5-डोर मॉडल लॉन्च करा, जो स्टैंडर्ड रूफ, सेमी हाई रूफ और हाई रूफ बॉडी स्टाइल के साथ आती थी, और लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा सीटिंग मिल जाती थी, यानी ये 7 सीटर्स हो जाती थी।
और थर्ड रो को आप साइड में फोल्ड भी कर सकते थे बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए, और सेकंड रो को भी फोल्ड कर सकते थे और फर्दर स्पेस बढ़ाने के लिए। तो स्टार्टिंग से ही पजेरो एक प्रैक्टिकल एसयूवी थी, जैसा एक एसयूवी को होना चाहिए। और इंजन्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही इसमें काफ़ी इंजन ऑप्शंस आते थे, 2.0 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल से लेकर 3.0 लीटर V6 तक। और फर्स्ट जनरेशन पजेरो को हुंडई भी सेल करता था यूरोप मार्केट में 1991 से 2003 तक, हुंडई गैलोपर नाम से, जिसमें मैकेनिकल्स तो सब फर्स्ट जनरेशन वाले थे पर बॉडी स्टाइल सेकेंड जेन पजेरो से मिलता था। सेकेंड जनरेशन, तो अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, जो इंडिया में भी आई काफ़ी लेट 2006 में पजेरो SFX नाम से। तो मित्सुबिशी पजेरो की सेकेंड जनरेशन आई जनवरी 1991 में, और इस न्यू पजेरो में काफ़ी कुछ चेंज करा गया था, जैसे इसकी बॉडी को और स्ट्रेच कर दिया था, शॉर्ट व्हील बेस मॉडल को 70 mm और लॉन्ग व्हील बेस मॉडल्स को 30 mm, और इसमें अब 4 डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स दिए गए, जैसे मेटल टॉप, कैनवास टॉप कन्वर्टेबल जो सिर्फ शॉर्ट व्हील बेस वाली पजेरो में था, और सेमी और हाई रूफ वैगन लॉन्ग व्हील बेस वाली पजेरो में। और इसके इंजन में भी काफ़ी एडवांसमेंट थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस जनरेशन में वो थी सुपर सेलेक्ट फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, और इसमें मल्टी मोड ABS और इलेक्ट्रॉनिक शॉक एब्जर्बर जैसे फीचर्स। और इसका सुपर सेलेक्ट फोर वाकई में लाजवाब चीज़ थी एक ऑफ रोड 4x4 व्हीकल के लिए, जिसकी मदद से आप अपनी पजेरो को पार्ट टाइम और फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव में चेंज कर सकते थे, वो भी 4 अवेलेबल ऑप्शंस के साथ, जैसे 2H यानी हाई रेंज रियर व्हील ड्राइव, 4H हाई रेंज फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव, 4LLC लो रेंज फोर व्हील ड्राइव विद लॉक सेंट्रल डिफरेंशियल, 4HLC हाई रेंज फोर व्हील ड्राइव विद लॉक सेंट्रल डिफरेंशियल। और एक और एडवांटेज थी इस सुपर सेलेक्ट फोर व्हील ड्राइव सिस्टम की, आप ड्राइव करते हुए ही इन मोड्स में स्विच कर सकते थे, बस आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए, जहां आपको फर्स्ट जनरेशन पजेरो में ट्रेडिशनल फोर व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, जिसमें आपको अपने व्हीकल को रोकना पड़ता था रियर व्हील ड्राइव से फोर व्हील ड्राइव में करने के लिए। फिर इसके बाद 1997 में पजेरो इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुई, जो स्पेशली पेरिस डकार रैली में हिस्सा लेने के लिए ही डेवलप की गई थी, जो स्टैंडर्ड ही 3.5 लीटर 24 वाल्व DOHC V6 इंजन के साथ आती थी, जिसमें मित्सुबिशी की इनोवेटिव वाल्व टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट कंट्रोल MyVac टेक्नोलॉजी मिलती थी, और फुली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को और एनहेंस करने के लिए। फिर बीच में इस सेकेंड जनरेशन के काफ़ी फेसलिफ्ट आए और काफ़ी नामों से सोल्ड करा गया दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ, जैसे इंडिया, फिलीपींस, कोलंबिया, वेनेजुएला, चाइना, गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन, और फिर 1999 में सेकंड जनरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसकी होम मार्केट से। थर्ड जनरेशन, फिर आई पजेरो की थर्ड जनरेशन, जो इन हाउस ही डिजाइन हुई थी जापान में ही 1999 में जैपनीज मार्केट के अंदर, लेकिन ये दूसरी मार्केट्स तक लेट 2000 और 2001 में पहुंची, और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये 2003 के अंदर। थर्ड जनरेशन को रीडिजाइन करा गया लोअर वाइडर स्टांस के साथ, और इसमें यूनिबॉडी मोनोकोक चेसी था जिसमें इंटीग्रल लैडर फ्रेम था, और इसके फ्यूल टैंक को रिलोकेट करके फ्रंट और रियर व्हील के बीच में कर दिया, जिससे इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन में इंप्रूवमेंट आई और ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई, और इंजन में भी एडवांसमेंट हुई थी। फोर्थ जनरेशन, पजेरो जब तक अपनी फोर्थ जनरेशन में आई तो ये अब काफ़ी मॉडर्न थिंग्स के साथ इक्विप्ड होने लगी थी। फोर्थ जनरेशन पजेरो को पेरिस मोटर शो में 13 सितंबर 2006 में शोकेस्ट करा गया था, जिसमें इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के स्टाइल को चेंज कर दिया गया था, और इसकी मोनोकॉक चेसी को भी काफ़ी इम्प्रूव करा गया था, और डुअल स्टेज SRS फ्रंट एयरबैग्स और न्यू साइड इम्पैक्ट और कर्टन एयरबैग्स भी दिए जाने लगे थे, और इसके सुपर सेलेक्ट फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, जैसे एक्टिव स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और EBD, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm थी, और ये 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी के साथ आती थी, और डीजल इंजन में DPF डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर देने लगे मोर क्लीनर एमिशंस की वजह से, और रॉकफोर्ड का एकॉस्टिक साउंड सिस्टम और काफ़ी मॉडर्न और लग्जरी फीचर्स मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए और SUVs से। और एक चीज़ बता दूं आपको, पजेरो का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का डिज़ाइन अपनी कैटेगरी की सभी गाड़ियों में सबसे बेस्ट माना जाता है, और ये वाली जनरेशन भी इंडिया में अवेलेबल थी मित्सुबिशी मोंटेरो नाम से, लेकिन इसके हाई प्राइस की वजह से ये चल नहीं पाई इंडिया के अंदर। लेकिन निराशाजनक पजेरो इंडिया से तो पहले ही डिसकंटिन्यू हो गई है, पर अभी फिलहाल इसे 2021 में वर्ल्ड वाइड ही डिसकंटिन्यू कर दिया, इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी है लो सेल्स की वजह से, और जबकि जापान में पजेरो को अगस्त 2019 में ही अलविदा कह दिया था इसका फाइनल एडिशन नाम से मॉडल रिलीज करके, जिसकी सिर्फ 700 यूनिट ही मैन्युफैक्चर हुई थी।
तो कुछ भी कहो, इस लेजेंडरी एसयूवी ने इतना लंबा समय बिताया है और दुनिया के ऐसे ऐसे टफ हार्श एनवायरनमेंट झेले हैं जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट की गर्मी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट निकल कर आया और हर जगह इसे इसलिए ही तो लेजेंड कहते हैं और आज भी ये ऑफ रोड पसंद करने वाले लोगों की लिस्ट में जरूर आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें पजेरो लवर्स और ऑफ रोडर्स में, और ऑटोमेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।